हेलो दोस्तों, आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे चिलर कंप्रेसर की। कोपलैंड कंपनी का ये चिलर कंप्रेसर है और इस 40 HP का है। ये 40 HP का इसकी जो लेंस है वो 9 इंची है, 9 इंची कोर है इसकी लंबाई उसकी, और गोलाई है आपकी, अभी दिखाते हैं आपको गोलाई। इंची में तो ये 5.5 इंची है, और अगर mm में देखेंगे हम तो 139 mm, 139 mm गोलाई है इसकी। इसकी पिच है 7.9, इसकी जो क्वाइल है एक हमारी क्वाइल डबल आएगी, 1.5 क्वाइल बाइंडिंग है, और टन है इसमें 9, और छोटी वाली क्वाइल में 9 है जो 7 की पिच में आएगी, और जो 9 की पिच में आएगी उसकी 18 टन हैं। मीटर पे भी दिखाई दे रही हैं 18 टन बड़ी वाली क्वाइल में, छोटी वाली क्वाइल में 9 टन। चार लेयर से ये वाइंडिंग है, चार वायर से। ये हम जो है हमारा कंप्रेसर थोड़ा अर्जेंट है, इस वजह से हम इसके जो है ना कॉइल को उठाएंगे नहीं, पीछे वाली कॉइल को ऐसे ही डाल देंगे ऊपर से कॉइल है। ये इधर से हमारा फिनिश हो गया है, बाद में कहो तो मेरी कोई टेंशन ना भाई। अब हम दूसरी साइड से कनेक्शन करेंगे। एक नंबर 1 से 7 टॉप टू बॉटम, यानी कि अंदर और बाहर पोल मार देंगे। ये 4 पोल बाइंडिंग है हमारी। अब एक नंबर से तीसरे नंबर पर पकड़ेंगे, तीसरे नंबर पर हमने पकड़ी वो 2 नंबर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप 2 नंबर डाला हमने। फिर इससे 1 से 7 पर पकड़ेंगे टॉप टू बॉटम अंदर बाहर, उसका पोल मार देंगे, सीरीज बना देंगे। ये हमारा दूसरा पोल लग गया। अभी मैंने खाने का ऑप्शन जाना है, आप जंपर भी बोल सकते हैं इसको, कुछ लोग जंपर बोलते हैं, कुछ लोग स्वीच पोल बोलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? फिर अब हम 2 नंबर से तीसरे नंबर पे पकड़ेंगे ऐसे ही। अब हमने तीसरे नंबर पे फिर एक लीक पकड़ ली, 1 से 3 गिन के। ये 3 नंबर की लीड है हमारी। अभी हमने ये टॉप की 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लीड निकाल दी, और बॉटम की जो है वो पोल में जा रही है, यानी कि अंदर वाली जो लीड है वो पोल में जा रही है हमारी। अब फिर 1 से 7 पर गिन के हम एक पोल मार देंगे।
अभी हमारी हाफ वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसका हाफ वाइंडिंग का एक स्टार और बनाना है हमें, जो हमने इसकी अंदर की लीड से बाहर की लीड सीरीज पकड़ी थी। अब ये देख सकते हैं तीन लीड है हमने 107 पर जो पोल मारा उसकी तीन लीडें निकाल लेंगे, वो स्टार में जाएंगी हमारी, जो हमारे पोल लगे हुए हैं उनकी सीरीज की। ये मैं स्टार बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अभी अंदर अंदर का स्टार बनेगा हमारा, बाहर बाहर की लीड है तीन। ये स्टार बना दिया हमने। आप भी ये बाइंडिंग का ध्यान देंगे, फोर पोल है तो अगर ये गल्फ में चलाते हैं तो ये 1700 आरपीएम में चलेगी, और अगर हम अपने इंडिया में चलाते हैं इसको तो 1440 आरपीएम, तो यही बाइंडिंग काम करेगी। अब हम एक नंबर से चार नंबर गिनेंगे आओ को, और उस पर फिर डाल देंगे हम नंबर, डाल देंगे उस पर एक नंबर से चार नंबर, सात नंबर डाल देंगे। एक से चार गिन के सात नंबर डाल देंगे, ये हमारी अंदर की लीड निकलेगी इस साइड की। अब जो तीन लीडें निकलेंगी, फिर इससे एक से सात पे गिनेंगे टॉप टू बॉटम, यानी कि अंदर बाहर, फिर पोल मार देंगे। ये पोल मार दिया हमने, अब इससे एक से तीन पे गिनेंगे आगे की लीड, उस पे डाल देंगे हम आठ नंबर। अब उसी से एक से सात पे गिनेंगे टॉप टू बॉटम, उसका पोल मार देंगे। नंबर का जो है वो लाजमी ध्यान रखना है, ताकि ऊपर भी हमारे जो कनेक्शन होंगे छः लीडों के उसमें नंबर मिलाने हैं हमें। हम एक नंबर से सात नंबर मिलाएंगे, दो नंबर से आठ नंबर मिलाएंगे, और तीन नंबर से नौ नंबर मिलाएंगे ऊपर, जब छः लीड हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब फिर हम आठ से एक से तीन पे गिनेंगे, आठ से एक से तीन पे गिना, और उसमें हम नौ नंबर डाल देंगे। ये हमने देखो नौ नंबर डाल दिया। अब फिर इससे एक से सात पे गिनेंगे टॉप टू बॉटम, पोल मार देंगे सीरीज, यानी कि
ये पोल मार के हम फिर इसका स्टार पकड़ेंगे, इसमें दो स्टार बनेंगे, एक अंदर का एक बाहर का, और तीन लीडर अंदर की निकलेंगे, तीन बाहर की, तीन टॉप तीन बॉटम, और एक स्टार टॉप और एक बॉटम, दो स्टार बनेंगे इसमें। अब हम इसका स्टार पकड़ेंगे, देखें एक से तीन पे गिन के भी हमने स्टार बना दिया, स्टार बनाएंगे इसका, इसकी स्टार की लीडर पकड़नी है। देख सकते हैं मैं सबसे एंड वाले पोल से हम कैसे पकड़ रहे हैं सीरीज, ऐसे ही पकड़नी है स्टार के लिए जो लीड पकड़ेंगे हम। सबसे फर्स्ट में हमने इसी साइड की लीड निकाली थी, अब इसी साइड का स्टार बना रहे हैं, यानी कि टॉप टॉप का स्टार बना देंगे हम। पहले हमने टॉप टॉप की लीडर निकाली थी, इसके बराबर में देख सकते हैं वो अब टॉप की लीडर निकल हुई है। लीडर को अगर चेक करेंगे तो हम एक जो स्टार निकालेंगे एक से तीन पे, यानी कि एक कॉइल से तीन पे गिनेंगे उसकी लीड पकड़ लेंगे, एक कॉइल से फिर तीन पे गिनेंगे तो उसकी लीड पकड़ लेंगे। ये हमारा स्टार बन गया है तीन लीडों का। अभी हमारी तीन लीडर हो गई, अब हम इसको ब्रेजिंग करके कंप्लीट करेंगे। तीन लीडर टॉप की, तीन बॉटम की, कनेक्शन तो आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और भी कोई अगर जानकारी भाई को किसी को पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकता है वो। ये फोर पोल बाइंडिंग है हमारी, अब इसकी छह लीड हमारी कंप्लीट हो जाएंगी बाहर। तो एक नंबर से सात नंबर, दो नंबर से आठ नंबर, और तीन नंबर से नौ नंबर, ये हमें ऊपर जैसे हम डेल्टा बनाते हैं मोटर का उस तरीके से डेल्टा बनाना है। टू स्टार फोर पोल, ये नंबर डाल दिए हमने लीडों पे। तो अंदर अंदर की लीडें हैं वो सात आठ नौ, बाहर की जो है एक दो तीन, ये तीन लीड अंदर की हैं सात आठ नौ। और तीन लीड हमारी बाहर की आ गई, एक दो तीन, अब इसकी ब्रेजिंग करके इसको भी कंप्लीट करते हैं। सिक्स लीड इसकी बाहर निकालेंगे, ये एक दो तीन जो सबसे फर्स्ट में हमने निकाली है लीड है।
ये जो वीडियो खाली कनेक्शन के लिए ही बनाई गई है, मैकेनिकल के लिए जो इसको फिटिंग करेंगे हम लोग, तो उसके एक वीडियो और मैं बनाता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये हमने तीन तीन लीडर निकाल दी हैं इसकी। और भी अगर मैकेनिकल की कोई वीडियो देखनी है आपको, फिटिंग की या डिसमेंटल करने की, या कुछ भाई का जो है हमारे स्टेटर वाइंडिंग का जो है वो बाहर नहीं आता है, निकालने में दिक्कत होती है, कैसे निकालें, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। चिल्लर कंप्रेसर का बाइंडिंग का जो स्टेटर कैसे निकालें, किस तरीके से निकालें। ये तीन लीड है हमारी, एक नंबर दो नंबर और तीन लीड है, 7, 8, 9 ग्रीन कलर की जो है हमारी, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, और येलो कलर की जो है 7, 8, 9। ध्यान रहे ऊपर जाके जो आपको बनाना है, ये तो एक नंबर से 7 नंबर और जो है आपका 8 नंबर से 2 नंबर और 9 नंबर से 3 नंबर। ये येलो कलर की तीन लीड आपस में बोलेंगी और ग्रीन कलर की तीन लीड, यानी कि एक नंबर दो नंबर और 3 नंबर आपस में बोलेंगी, और 7, 8 और 9 ये आपस में बोलेंगी। ग्रीन से येलो नहीं बोलेगी कोई सी भी लीड। ये देख सकते हैं, मैं ग्रीन से ग्रीन को ही चेक करूंगा, येलो को येलो से चेक करना है। किसी भाई को और कोई जानकारी चाहिए तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।